بسم الله الرحمن الرحيم. प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं माइक्रो शेयरिंग और मैं हूं माइक्रो शेयरिंग का एडमिन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने मोबाइल्स में एप्लीकेशंस को डार्क मोड करने की बजाय पूरे के पूरे अपने मोबाइल एंड्रॉइड सेट को भी डार्क मोड में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ पॉसिबल है सैमसंग के एंड्रॉइड मोबाइल फोन पे, और सैमसंग पहली ऐसी वाहिद कंपनी है जिसने अपने हैंडसेट्स में डार्क मोड की ऑप्शन को शामिल किया है। अगर आपके पास गैलेक्सी S20, गैलेक्सी S20S, गैलेक्सी S20 अल्ट्रा है तो आप इजीली इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसका मुख्तसर तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने गैलेक्सी के अंदर सेटिंग्स मेन्यू को ओपन करेंगे। उसके बाद आप लिस्ट में सबसे पहले जो बटन आता है वो डिस्प्ले का है, डिस्प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन नजर आएगी जिसमें इनेबल डार्क मोड बाय टैपिंग डार्क बटन, यानी कि आप डार्क बटन के ऊपर क्लिक करके डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक शेड्यूल सेट नहीं करना चाहते, ऑटोमेटिक शेड्यूल इसमें ऐसे सेट होता है कि सूरज डूबने के साथ आपका मोबाइल डार्क मोड में इनेबल हो जाएगा और सूरज निकलने के टाइम आपका मोबाइल सुबह वापस लाइट मोड में आ जाए। अगर आप अपने मोबाइल को ऑटोमेटिक शेड्यूल सेट नहीं करना चाहते तो उसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप अपने गैलेक्सी के बॉटम स्क्रीन से स्वीप अप करें, टर्न ऑन गेस्चर नेविगेशन। गेस्चर नेविगेशन को टर्न ऑन करें। जैसे ही आप गेस्चर नेविगेशन को टर्न ऑन करेंगे तो सिलेक्ट डार्क मोड और लाइट मोड की ऑप्शन आपके पास आएगी। आप डार्क मोड के टॉगल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगी, जिसमें एक ऑप्शन होगी सनसेट टू सनराइज। इसका मतलब वही है कि शाम को सूरज ग्रूब होने के बाद आपका सेट डार्क मोड में चला जाएगा और सुबह सूरज निकलने के बाद आपका सेट लाइट मोड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक शेड्यूल है जिसे अगर आप सेट करना चाहते हैं। अगर आप इसे सेट नहीं करना चाहते तो दूसरी ऑप्शन आपको नजर आएगी, सेट कस्टम शेड्यूल। कस्टम शेड्यूल में ये होता है कि आप उसमें टाइमिंग दे सकते हैं कि रात 10 बजे से रात 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक या सुबह 8 बजे तक आपका सेट डार्क मोड में रहे, तो उसके बाद सेट आपका वापस लाइट मोड में चला जाएगा। तो ये बहुत सिंपल ऑप्शन थी जो मैंने आपको बताई। इस तरीके से आप अपने S20, S20S और S20 अल्ट्रा को डार्क मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सेटिंग मेन्यू के जरिए अगर सैमसंग गैलेक्सी S20 का डार्क मोड आपको ऑन करना मुश्किल लगता है या ये तरीका लंबा लगता है तो आपको मैं इससे भी ज्यादा आसान तरीका बता देता हूँ। लेकिन उसमें आप अपने डार्क मोड को शेड्यूल नहीं कर सकेंगे, सिर्फ इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ये तरीका दोस्तों क्विक पैनल के थ्रू है। आप अपने मोबाइल फोन के डिस्प्ले स्क्रीन पर 2 बार स्विप ऑन करेंगे। पहली बार स्विप ऑन करने से नोटिफिकेशन बार ओपन होता है, दूसरी बार स्विप ऑन करने से आइकॉन नजर आएंगे। वहाँ आपको एक क्रिसेंट शेप आइकॉन नजर आएगा जिसके साथ डार्क मोड लिखा होगा। उसको स्क्रॉल करने से आप अपने डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं और दोबारा उसी को स्क्रॉल करने से आप अपने डार्क मोड को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और ट्रिक्स आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।